मेलघाट विधानसभा क्षेत्र से प्रहार जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार पटेल, इन्होंने प्रचार सभा के दौरान महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत चिमोटे पर चिकलदरा तहसील के मनभंग गांव में रहने वाले राजाराम दहीकर नामक व्यक्ति के इलाज के लिए डॉक्टर चिमोटे इन्होंने अस्पताल में गए थे। डॉक्टर चिमोटे ने इस मरीज का बिल 1,70,000 रुपये निकाल कर उनसे पैसों की मांग की थी, परंतु दहीकर इनके पास इतने पैसे नहीं रहने की वजह से उन्होंने डॉक्टर चिमोटे से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। दहीकर इनसे इलाज का बिल नहीं दे पाया गया तो डॉक्टर चिमोटे ने एक आदिवासी मरीज के खेती के दस्तावेजों पर नोटरी कराई, ऐसा गंभीर आरोप डॉक्टर चिमोटे पर लगाया गया। डॉक्टर चिमोटे ने इस पर सबूत के साथ स्पष्टीकरण देते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी। राजाराम दहीकर नामक मरीज ये डॉक्टर चिमोटे के अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आए ही नहीं थे। इस मरीज ने ट्विन सिटी अस्पताल में अपना इलाज करवाया था, जहां पर इनका बिल तकरीबन 1,70,000 रुपये के आसपास हुआ। राजकुमार पटेल यह बिन समझे मेरी बदनामी कर रहे हैं, मैं इसकी शिकायत करूंगा, ऐसा स्पष्टीकरण महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर चिमोटे ने मीडिया के समक्ष रखा। राजकुमार पटेल इन्होंने लगाए गए आरोपों की वजह से मेलघाट विधानसभा चुनाव में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। वही डॉक्टर चिमोटे इसी बात को लेकर राजकुमार पटेल इन पर मानहानि का दावा ठोकने वाले हैं, ऐसी बात डॉक्टर चिमोटे के कार्यकर्ताओं ने बताई। हे आहे पुरावा त्या पेशंटचा, त्याच्यामध्ये त्याचं लिहिलं आहे की 1,76,000 बिल होतं आणि 20,000 काहीतरी त्यांनी ऍडव्हान्स भरले होतं, त्यांच्याकडे उरलेले अमाऊंट सुद्धा 1,36,000 होते आणि पुढच्या हॉस्पिटलने बिल न घेता सुद्धा पेशंटला जाऊ दिलं होतं आणि हे अशा बिनकामाचे आरोप त्यांनी केले आहे। याचा अर्थ हे आहे की त्यांना त्यांचं हार दिसतंय आणि त्यांना ते पचवता येत नाहीये। महान्यूज 7 के लिए जुनेद अहमद, परतवाडा मेलघाट।